नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी, HCS एग्ज़ाम 2018 के लिए ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें हम एशियन गेम्स 2018 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। HCS एग्ज़ाम 2018 के लिए इसमें जो हरियाणा से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो मेडल आए हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड है वो जो स्टेट PCS होता है उसमें पूछा जाता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। HCS एग्ज़ाम के लिए अभी तक 12 लेक्चर कम्प्लीट हो चुके हैं, तो वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप जो HCS के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें वो 12 के 12 लेक्चर देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता, नवंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है, तो तब तक मैं आपको काफ़ी लेक्चर करवा चुका हूँ। जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी GS है, करंट अफेयर है, हरियाणा GK है, जितने भी हैं, तो वो महत्वपूर्ण जितनी भी क्लासेज हो पाएंगी मैं आपको पॉसिबल होगा उतना कराऊंगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। 18वां एशियन गेम्स 2018, चलिए शुभारम्भ। सबसे पहले तो हमें पता है कि 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। 4 मार्च 1951 नई दिल्ली से इसका उद्घाटन है, वो भारत के जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था 4 मार्च 1951। तो ये यहाँ से शुरुआत हुई एशियन गेम्स की। वर्तमान का जो 18वां एशियन गेम्स है वो 2018 में, तो 18वां 2018 महत्वपूर्ण याद रह जाएगा, बिल्कुल ईजी है। 18वें एशियन गेम्स कब हुए? 2018 में। चलिए अब देखते हैं, तो इनकी जो डेट है वो 18 अगस्त से 25 सितंबर तक 18वें एशियन गेम्स जकार्ता पालेमबांग, जो इंडोनेशिया है, जकार्ता इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, तो वहाँ पर ये हुए हैं गेम्स 18वें एशियन गेम्स। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि 17वें गेम्स है वो 2014 में हुए थे, क्योंकि 4 साल के अंतराल में होते हैं एशियन गेम्स। तो ये इंचियन दक्षिण कोरिया, कहाँ हुए थे? दक्षिण कोरिया में 17वें एशियन गेम्स। और जो आगे आने वाले 2022 में होने वाले हैं 19वें एशियन गेम्स, ये कहाँ होंगे? जो हंगजू चाइना में है, गुहांगजू चाइना, तो वहाँ पर ये 19वें एशियन गेम्स खेले जाएंगे। चलिए देखते हैं हम कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो हमारे जो देश के 45 देशों ने भाग लिया, और कुल प्रतिभागी जो खिलाड़ी थे वो थे 11,720 और भारत से 572 खिलाड़ियों ने भाग लिया, 572। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा PCS एग्ज़ाम HCS की बात करते हैं, तो हरियाणा के खिलाड़ी 83, 50 पुरुष 33 महिलाएं, तो टोटल 83 ने इसमें भाग लिया। मीरा भाई चानू इस गेम में गई नहीं थी, तो वैसे ही बताया हुआ है, ध्यान रखना ये पॉइंट भी, प्रश्न आ जाए कि क्या मीरा भाई चानू ने एशियन गेम्स में भाग लिया, तो नहीं लिया उन्होंने। अब देखिए इवेंट्स कितने हुए थे, तो इसमें 462 इवेंट्स थे जिसमें कुल 40 गेम्स थे। भारत ने 36 गेमों में भाग लिया, 4 गेमों में भाग नहीं लिया, तो 36 गेम खेले थे, इवेंट है वो 462 थे टोटल। चलिए हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि एशियन खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजा वाहक कौन? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी है, तो इन्होंने जब उद्घाटन हुआ तो ये ध्वजा लेकर भारत का इन्होंने ही समारोह का उद्घाटन समारोह में ध्वजा लेके गए थे। अब बात आती है कि ध्वजा वाहक समापन के समय जो ध्वजा लेकर आते हैं, तो वो रानी रामपाल हॉकी टीम की कैप्टन, तो वो उन्होंने समापन के दौरान ध्वजा वाहक थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हरियाणा के पदक कितने आए? 5 गोल्ड। कुल 18 खिलाड़ियों ने मेडल जीता था, तो 5 गोल्ड आए। अब सबसे पहले हम गोल्ड की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस रैंकिंग कंट्री कौन सा गोल्ड किस प्रकार से टोटल किसने मेडल सबसे ज़्यादा रहा।
तो एशियन गेम्स 18वें एशियन गेम्स पहले स्थान पे चाइना रहा, 132 गोल्ड 62 सिल्वर 65 ब्रॉन्ज के साथ 289, तो पहला स्थान। दूसरा दक्षिण कोरिया, सॉरी दूसरा जापान है 75, 56, 74, टोटल 205। तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया रहा 49, 58, 70, टोटल 177 मेडल। अब भारत इसमें 8वें स्थान पे रहा। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि एशियन गेम्स में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा, तो 8वें स्थान पे। भारत ने 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 69 मेडल जीते। कितने जीते? 69 मेडल। चलिए अब हम करते हैं हरियाणा के जो गोल्ड मेडल उनकी बात कर लेते हैं। देख, बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया पहलवान है, उनका खेल है कुश्ती और 65 किलोग्राम में वो कुश्ती लड़ते हैं। जन्म 26 फरवरी 1994। अब ये खुडन कर लो भाई, जान ले खुडन गांव, कौन सा गांव? खुडन, झज्जर में खुडन गांव। तो वहां से कौन है? बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हरियाणा की तरफ से पहला गोल्ड लिया। इन्होंने अपना जो स्वर्ण पदक है, गोल्ड है, वो अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया, क्योंकि उस समय है अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ था, तो इन्होंने अपना जो गोल्ड मेडल है वो अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था। नेक्स्ट पहलवान की बात करते हैं, विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, देखिए विनेश फोगाट है, उसका खेल क्या है? कुश्ती, 50 किलो वेट में। जन्म है 25 अगस्त 1994। बलाली गांव पहले भिवानी में होता था, बलाली कहाँ चला गया? चरखी दादरी में। तो आपने गीता बबीता फोगाट के बारे में भी सुना है, तो उन्हीं के परिवार से हैं ये, तो ये कहाँ से? बलाली, चरखी दादरी। कुश्ती जो इवेंट है उसमें प्रथम महिला जिसने जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है? यही है, विनेश फोगाट। चलिए, इन्होंने 2014-18 कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता था, तो ये भी आप कॉमनवेल्थ में भी इनका गोल्ड था। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, अलग अलग इवेंट्स में गोल्ड जीतते रहते हैं। जो अपना खेल है उनका वो है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो उनका गेम है। अब की बार रिकॉर्ड बनाया उन्होंने 88.06 मीटर का। जन्म 24 दिसंबर 1997, खंडरा गांव है पानीपत में। तो नीरज चोपड़ा का संबंध पानीपत से है, खंडरा गांव से, जेवलिन थ्रो गेम के खिलाड़ी हैं। 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ। चलिए अब चलते अमित पंघाल, ये भी काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं, 5 गोल्ड मेडल इवेंट्स जीत चुके हैं। जन्म 16 अक्टूबर 1995, 49 किलो वेट में, और ये है मायना गांव है रोहतक में, तो वहाँ के हैं अमित पंघाल, बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं। चलिए बात कर लेते हैं मनजीत सिंह की, अलग अलग इवेंट्स में 4 गोल्ड जीत चुके हैं ये, दौड़ करते हैं, धावक हैं 800 मीटर के। 1 सितंबर 1989 को उजाणा नरवाणा में पड़ता है, तो वहाँ जींद से इनका संबंध है। चलिए बात कर लेते हैं, ये तो थे 5 गोल्ड वाले खिलाड़ी। अब बात करते हैं हरियाणा के सिल्वर पदक विजेता, तो लक्ष्य शोराण है, जो शोराण, ठीक है, शोराण कर लीजिए, जींद से हैं। खेल शूटिंग है, ट्रैप शूटिंग करते हैं ये, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं संजीव राजपूत, शूटिंग के खिलाड़ी हैं 50 मीटर राइफल में, और जन्म 5 जनवरी 1981, और जगाधरी यमुनानगर से हैं संजीव राजपूत, जगाधरी यमुनानगर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं आशीष मलिक, जन्म रोहतक, घुड़सवारी के हैं, सिल्वर मेडल जीता। अब बात करते हैं रानी रामपाल की, हॉकी टीम की कैप्टन है, तो ये हॉकी में जो हरियाणा के हॉकी टीम है जो महिलाओं की, उनके कैप्टन है और शाहबाद कुरुक्षेत्र से, तो हॉकी टीम को सिल्वर मेडल मिला था। अब कांस्य पदक की बात लेते हैं, तो कांस्य पदक में अभिषेक वर्मा निशानेबाजी में है, हिसार से, 10 मीटर एयर पिस्टल, हिसार के हैं अभिषेक। अभी सीमा पुनिया खेवड़ा गांव है, डिस्कस थ्रो सोनीपत से हैं सीमा पुनिया, डिस्कस थ्रो 62.26 मीटर का, और 27 जुलाई 1983 को उनका जन्म। अब बात कर लेते हैं विकास कृष्ण यादव, सिंगवा खास गांव है हिसार में, बॉक्सर हैं,
75 किलोग्राम में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, विकास कृष्ण यादव। चलिए बात कर लेते हैं दुष्यंत जो झज्जर से हैं, नौकायन और लाइव इवेंट सिंगल स्कल्स में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज। अब बात कर लेते हैं हम हॉकी की, बात कर लेते हैं तो हॉकी के अंदर सरदारा सिंह जो मेंस टीम के कैप्टन, तो ब्रॉन्ज है आया था। और सुरेंद्र पाल जो कुरुक्षेत्र खेल हॉकी, कुरुक्षेत्र से संबंध करते हैं हॉकी टीम की, ये भी टीम में थे, तो एक क्या है ब्रॉन्ज मेडल मिला है इनको। हॉकी टीम की बात करें तो हम तो इस गेम के अंदर जो एशियन गेम्स था, तो हरियाणा ने टोटल कितने मेडल आए थे, टोटल 18 खिलाड़ियों ने इसमें जो मेडल जीते थे। तो हमने बात की थी इसमें कि हमारे जो गोल्ड थे उनकी 5 गोल्ड आए थे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लेसन में इतना ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। अब जो ऑनलाइन बैच है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, यदि आप ज्वाइन करना चाहें SCS एग्ज़ाम के लिए तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देख लीजिए आप, SCS एग्ज़ाम एक बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें आपकी एंट्री नहीं हो सकती क्योंकि उसमें 30 सितंबर तक ही आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। तो अभी एक और बैच स्टार्ट किया है, न्यू बैच है, 5 अक्टूबर तक लास्ट है, 5 अक्टूबर को ये स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो, ऑनलाइन बैच होगा। आप किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। जो बैच है वो जितनी भी नोट्स हैं वो PDF के रूप में आपको प्राप्त हो गए, तो ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे मुझे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।